नमस्कार, सुबह के 11:30 बजे जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। वक्त है आपके न्यूज का, आपके साथ मैं हूँ पूर्णिमा मिश्रा। कहते हैं कि अगर इच्छा शक्ति हो तो क्या संभव नहीं। कैंसर होने पर मौत के डर से रोज मरने की बजाय जीने की जिद की बदौलत मुंबई में रहने वाली आरती और फरीदाबाद के अरुण अग्रवाल ने न सिर्फ कैंसर को मात दी बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गए। आरती और अरुण पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। तो पहले आरती की बात करते हैं, जिन्होंने पहले खुद कैंसर को मात दी और अब दूसरों को जिंदगी की नई राह दिखा रहे हैं। यहाँ मौजूद हर शख्स ने कैंसर को मात देकर जिंदगी पर जीत हासिल की है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी इन हिम्मत वालों को हरा नहीं पाई। कैंसर पेशेंट्स को ट्रेनिंग दे रही ये हैं आरती बंसल। आरती खुद एक कैंसर सर्वाइवर है। 38 साल की आरती ने कैंसर से लड़ाई लड़ी और अब दूसरों को कैंसर से लड़कर आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दे रही है। नांदेड़ की रहने वाली आरती बंसल कुछ साल पहले दूसरी गृहिणियों की तरह अपने घर संसार में खुश थी, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। आरती के मुताबिक परिवार वालों ने उन्हें कैंसर की वजह से घर से निकाल दिया। उस वक्त मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब मुझे पता चला कि मुंबई में ट्रीटमेंट अच्छा होता है, तब मैं मुंबई आ गई थी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन बस ऐसे ही पता चल गया ट्रेन में सफ़र करते समय कि टाटा का हॉस्पिटल में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे, तो इधर आ गई मैं। बीमारी और अकेलेपन ने आरती को बुरी तरह से तोड़ दिया, लेकिन आरती ने हिम्मत नहीं हारी और कैंसर के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। आरती नांदेड़ से इलाज के लिए मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आ गईं। यहां इंडियन कैंसर सोसाइटी ने न सिर्फ उनके इलाज का खर्च उठाया बल्कि यहां आरती को नए रिश्ते मिले और जीने की नई राह भी। मैं मुंबई में आने के बाद मुझे पता चला यहां काफ़ी ट्रस्ट ऐसे हैं जो कैंसर पेशेंट की मदद करते हैं, तो मैंने ट्रस्ट से मदद ली है। इंडियन कैंसर सोसाइटी है जहां पर कैंसर पेशेंटों की मदद होती है, वहां पे उनको काम मिलता है, बस मैं इन्हीं के साथ में यहां पे काम करती हूं। कैंसर को जीतने वाली आरती आज अपने ही जैसे कैंसर के मरीजों को जीने की नई राह दिखा रही हैं। आरती के इस संघर्ष में उनको सहारा दिया इंडियन कैंसर सोसाइटी ने। ये संस्था कैंसर पीड़ित लोगों के लिए काम करती है। कैंसर के मरीजों की सबसे बड़ी परेशानी होती है पैसे की कमी। कैंसर की वजह से मरीजों की नौकरी चली जाती है। हर साल 6 लाख लोग कैंसर की वजह से गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं और ऐसे ही लोगों की मदद कर रही हैं आरती। मैं कैंसर पेशेंट के लिए ही काम करती हूँ। यहाँ पर सिलाई सिखाई जाती है, जैसे कि ब्लाउज, बैग्स, जूट्स के कुछ शो पीसेस यहाँ पे बताया जाता है, बस इन्हीं के साथ मैं वही करती हूँ। आरती कैंसर पीड़ित लोगों को सिलाई, लेडीज बैग बनाना, पायदान बनाना और भी कई चीजें तैयार करना सिखाती हैं, ताकि जब वो वापिस अपने घर लौटे तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आरती जिस संस्था के साथ जुड़ी हैं, वो इन लोगों के खाने पीने और रहने का इंतजाम भी कराती है और साथ ही कैंसर से लड़ने के लिए प्रेरित भी करती है। इस संस्था ने आरती को सहारा दिया और अब आरती भी इस संस्था का एक हिस्सा बनकर अपने जैसे मरीजों का हौसला बढ़ा रही है। आरती जैसे लोगों को कैंसर इज नॉट द एंड, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन एंड, दे कैन बी, वो उनका पैरों में खड़ा रहने का ट्रेनिंग देके शिक्षण प्राप्त दिया हुआ एंड अपना रोज रोटी अपना पैरों में खड़ा रखते इज्जत से लाइफ लीड। कैंसर की वजह से भले ही आरती के सभी रिश्तों ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन आरती के जज्बे ने न सिर्फ आरती को नए रिश्ते दिए बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया। आरती मिसाल है उन मरीजों के लिए जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी होने के बाद जीने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। आरती ने साबित कर दिया कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तृप्ति कांबले, जी मीडिया, मुंबई।
आरती के बाद अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अरुण गुप्ता से, जो खुद एक कैंसर सर्वाइवर हैं और उनकी कोशिश होती है कि कैंसर सर्वाइवर्स को नौकरी जॉब दिला सके ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। दिल्ली के पास फरीदाबाद में रहने वाले अरुण गुप्ता पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कुछ साल पहले एक बड़ी कंपनी में सीएफओ के पद पर काम करते थे। पहले लोगों के पैसे का हिसाब किताब पेशे के तौर पर रखते थे और आज कैंसर के मरीजों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने का नेक काम कर रहे हैं। अरुण खुद भी एक कैंसर सर्वाइवर हैं। मुझे अप्रैल 2011 में मुझे डिटेक्ट हुआ था CLL, क्रॉनिक लिम्फोटिक ल्यूकेमिया। क्रॉनिक लिम्फोटिक ल्यूकेमिया एक स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है जो कि सालों में बढ़ता है और लेकिन लाइलाज होता है। तो ये एक तरह से टाइम बम होता है आपकी बॉडी में, जो कि आपको मालूम है कभी भी एक्सप्लोड कर जाएगा। ट्रीटमेंट काफ़ी टफ होता है इसका। 2011 से पहले परिवार में दो बेटियों और पत्नी के साथ अरुण की जिंदगी की राह बड़ी आसानी से कट रही थी, लेकिन कैंसर की बीमारी उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आई। कैंसर के इलाज में पहले उनका काफी पैसा खर्च हुआ और उसके बाद उनकी नौकरी भी चली गई। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो न सिर्फ अपनी बीमारी से आज भी लड़ रहे हैं बल्कि अपने जैसे कैंसर के दूसरे मरीजों की मदद भी कर रहे हैं। हमने एक डिवीजन शुरू कर दिया, फ्री सप्लाई, वो सब्सिडाइज सप्लाई ऑफ मेडिसिन। हम किसी को ग्रांट नहीं दे रहे हैं, हम सिस्टम में ही जो ब्लैक का पैसा है, जो सिस्टम में ही जो गलत पैसा जा रहा है, कमीशन के तौर पर जा रहे हैं, हम वही पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। सितंबर 2015 में अरुण गुप्ता ने विन ओवर कैंसर नाम से एक संस्था की शुरुआत की। विन ओवर कैंसर के जरिए अरुण कैंसर के मरीजों को इलाज के लिए पैसे दिलवाने में तो मदद करते ही हैं, साथ ही उनका मकसद है कैंसर की वजह से नौकरी चले जाने पर मरीजों या उनके परिवार वालों को रोजगार दिलवाना। कैंसर की ही वजह से आदित्य को भी नौकरी से निकाल दिया गया था। इलाज में नौकरी तो गई ही, साथ ही एक मकान, माँ और पत्नी के गहने भी बेचने पड़े। सब तरफ से निराशा के बाद आदित्य की मुलाकात अरुण गुप्ता से हुई और अब अरुण की मदद से आदित्य को घर चलाने लायक नौकरी मिल गई है, जहाँ आदित्य और आदित्य जैसे न जाने कितने लोगों को अरुण का साथ मिला, तो वहीं अरुण का हर कदम पर साथ दिया उनकी पत्नी कविता ने। कविता भी पति अरुण के साथ मिलकर कैंसर के मरीजों की हर मुमकिन मदद करती है। कविता ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित मरीजों को खास तरह की प्रोस्थेटिक ब्रा मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। कैंसर अब एक लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन आज भी लोग कैंसर को एक लाइलाज मर्ज ही मानते हैं। इस बीमारी से मरीज या उसके घर वाले इतना नहीं टूटते जितना कि उससे होने वाले सामाजिक भेदभाव मरीज को तोड़ देते हैं। इसीलिए समाज को जरूरत अरुण जैसे ही कुछ बुलंद हौसले वाले लोगों की है, जो अपने दर्द के साथ साथ दूसरे के दर्द को भी समझ सके और उसका हाथ थाम सके। यशस्विका मल्होत्रा, जी मीडिया, फरीदाबाद।